भजिए भी शरबत का डिपार्टमेंट तो रोज का आपका था, बाहर टेबल पे रखे थे अपने पास, वो व्हाइट वाला बड़ा टेबल था इधर कोने में, उस टाइम तो था नहीं ना, सेकंड लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में तो ब्राउन वाला था लकड़ी का। तो ये शोएब की बड़ी एक क्यूट सी और बड़ी स्मार्ट सी आदत है, तो वो ना ऑब्जर्व बहुत करते हैं, अपना आराम से सुपरबिलिटी रहेंगे अपने फोन पे, लेकिन उनको उनकी अवेयरनेस पूरी रहती है कि इसके साथ कोई है हेल्प करने के लिए कि नहीं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, शोएब इब्राहिम हमेशा दीपिका इब्राहिम की हेल्प करते हैं, और ये नॉर्मल सी बात है शोएब के लिए अपनी बीबी दीपिका की हेल्प करना। यहाँ पर दीपिका अकेली कुकिंग कर रही थी, शोएब ने आके उनकी हेल्प करी, जिससे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दीपिका इब्राहिम प्रेग्नेंट है, इसी वजह से शोएब उनकी हर चीज़ में मदद कर रहे हैं। पर ऐसा कितना सच है फ्रेंड्स, ये तो दीपिका शोएब ही बता सकते हैं कि उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या नहीं है। दीपिका इब्राहिम अकेले अभी सारा काम कर रही है, क्योंकि समय भी अपने मायके जा चुकी है और उनकी बेटी खाला और अम्मा वगैरह भी अपने घर वापस जा चुकी हैं, तो अम्मी ज़्यादा फ्ताही वगैरह नहीं बना पाती। दीपिका के ऊपर वर्कलोड आ गया है और उनका छोटा सा बेबी भी है, इस वजह से वो ज़्यादा देर कुकिंग नहीं कर पाती। रूहान परेशान करने लगता है, इसलिए शोएब इब्राहिम उनके साथ किचन में हेल्प करने के लिए हाजिर हो गए, क्योंकि शोएब इब्राहिम बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और हमेशा अच्छे हस्बैंड होने का फ़र्ज निभाते हैं। फिर भी देखिए फ्रेंड्स, रूहान किचन में आ ही गया, छोटा बच्चा है फ्रेंड्स, परेशान करने लगता है। उसकी नानी उसको हमेशा संभालती है, बट यहाँ पे वो छोटा बच्चा है, उसको फीड वगैरह कराना पड़ता है, इसी वजह से शोएब इब्राहिम जल्दी खाना बन जाए। शोएब इब्राहिम ने अपनी बीवी की पूरी मदद की और उनका पूरा तैयार इफ्तारी तैयार करवाई। आपको कैसे लगते हैं शोएब इब्राहिम, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।